लीगल मीटिंग तो कुछ नहीं कर सकते, लीगल मीटिंग कर सकते तख्त श्री पटना साहिब विखे बीती रात कुछ अजिहा होया जिसने मुड़ तो सिख संगतां विच नवीं चर्चा छेड़ दिती है। असल विच यह वाका तख्त श्री पटना साहिब गुरद्वारा साहिब के अंदर वापरिया दस्या जा रहा है, जिथे कमेटी प्रधान अवतार सिंह हित तो एक कमेटी मैंबर वालों माइक खोलिया गया। इस दौरान दोवां धिरां विचाले गुरद्वारा साहिब के अंदर ही जम के धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान अवतार सिंह हित नूं थल्ले सुट दिता गया अते कमेटी मैंबर ने कई होरना मैंबरां नूं भी धक्के मारे ने। उधर इस पूरे मामले की एक वीडियो भी सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो रही है। अरे जल्दी से आओ सोखी सोई साहब तुसीं आ जाओ। मामला कुछ कर्मचारियों रिटायरमेंट देने दे विरोध का दसया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जथेदार अवतार सिंह हित नूं धक्के मारन वाले मैंबर नूं खदशा सी कि जथेदार इकबाल सिंह नूं भी इस जबरी रिटायरमेंट का अगला शिकार बनाया जा सकता है, जिस कारण उसने चलते भाषण विच ही जथेदार हित का विरोध करना शुरू कर दिता। दस दिए कि जथेदार अवतार सिंह हित इस तो पहला भी विवादों विच रह चुके ने। साल 2019 विच श्री अकाल तख्त साहिब वालों उस समय अवतार सिंह हित नूं तनखाइया करार दिता गया सी, जदों अवतार सिंह हित ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना गुरु गोबिंद सिंह जी नाल कीती सी, जिस तों करीब 2 साल बाद जुलाई 2021 विच हित नूं मुड़ तों पटना साहिब कमेटी का प्रधान नियुक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।